एक परिवार ही सर्वोच्च हो जाता है तब देश की सुरक्षा दांव पर लग ही जाती है। आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर वन के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी हर चुनावी रैलियों में जमकर चौकीदार चोर है का नारा लगवाते रहे। तो पीएम मोदी ने राजीव गांधी की छवि पर ही सीधे प्रहार किया। राहुल के राफेल वार के जवाब में पीएम मोदी ने बोफोर्स डील को चुनावी अखाड़े में उतार दिया। चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी है। और मैं ना नरेंद्र मोदी से, ना बीजेपी से, ना किसी और से अपोलोजाइज कर रहा हूं। मोदी की भारत भक्ति पर सवाल खड़ा करना था, ईमानदारी पर सवाल खड़ा करना था, इसलिए ही इन्होंने एक झूठ का पुलिंदा बना दिया, उसको राफेल नाम दे दिया और झूठ बोलते गए, जहां गए जितना जोर से बोल सकते हैं बोलते गए। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस ही इकलौती ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो बीजेपी को चुनौती दे सकती है, क्षेत्रीय दलों को एक साथ जोड़ सकती है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी सीधे कांग्रेस की जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं, गांधी परिवार की छवि पर चोट कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस को हमेशा के लिए कमजोर किया जा सके। इसीलिए पीएम मोदी अपनी हर चुनावी सभा में सीधे गांधी परिवार पर प्रहार करते हैं, तो राहुल गांधी भी अपने खास अंदाज में पीएम मोदी को जवाब देते हैं। आप मेरे पिता के बारे में, माता के बारे में, नाना नानी, दादा दादी, सबके बारे में जो कहना है आप कहो, मगर एक बात समझ लो और अच्छी तरह समझ लो, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं। आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे, मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा। दरअसल राहुल गांधी अपनी प्यार पॉलिटिक्स के जरिए लोगों के बीच संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी राजनीतिक लड़ाई को व्यक्तिगत स्तर पर नहीं ले जाना चाहते। कांग्रेस मूल्यों और मुद्दों की राजनीति करती है, तो पीएम मोदी अपने आक्रामक चुनाव प्रचार के जरिए लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ में नेहरू गांधी परिवार है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आखिरी फैसला वोटरों का होता है। अब 23 मई को पता चलेगा कि किसके दावों पर जनता ने भरोसा किया, किसे देश का मुकद्दर तय करने के लिए अगले 5 साल के लिए चुना। आज तक ब्यूरो।